हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हिमांशु और आप देख रहे हैं अनबॉक्सिंग किंग। आज तो यार रियलमी 6s बहुत अच्छी चीज लॉन्च करी। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आज नहीं लॉन्च किया इन्होंने, 25 को किया था। अच्छी चीज है तो मैं बता रहा हूँ। मैंने ढंग से पहले इसके बारे में देखा, मैंने कहा अच्छी चीज निकाली रियलमी ने, बता देता हूँ आप लोगों को भी, आपको लेना चाहिए या नहीं ये भी बताता हूँ। और इंडिया में आएगा या नहीं ये मेन क्वेश्चन है, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ और प्राइस भी बताऊंगा कितने पैसे लगेंगे। वीडियो पूरी देखना क्योंकि हर चीज इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में। रियलमी 6s बहुत अच्छा फोन है, आप भूल ना जाओ गलती से, मतलब आपका कुछ मिस ना हो जाए, क्योंकि इतना अच्छा फोन है। बाद में आपका यार वीडियो तो आगे आगे करो, आगे आगे कुछ नहीं फोन के अंदर, ऐसे करोगे तो आप रह जाओगे यार। इतना बढ़िया फोन आपके हाथों से निकल जाएगा, तो थोड़ा देखना पूरा वीडियो। और बस चालू करते हैं सीधा तम वीडियो, और एक लाइक दबा दे नीचे, तो चलते हैं हंसते हुए लाइक, हम हंसते हुए चालू करते हैं वीडियो। रियलमी ने अपना रियलमी 6s अभी अभी लॉन्च किया था 25 को ही, और वो भी क्या इसमें यूरोप में। मेरा उस दिन बर्थडे था, इतने एक्साइटमेंट थे कि वीडियो निकाली ही नहीं मैंने। बीच में बड़ी ढीले ढीले हो गई वीडियो, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अब मैं थोड़ा सोच रहा रेगुलर ही आऊँ या फिर बीच में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि यार सारे घर पे ही, आपको पता ही है, पापा के अलावा, पापा काम पे गए ना। तो सबसे पहले बात करते हैं, अफोर्डेबल वर्जन है रियलमी 6 का, जिसके अंदर छोटे मोटे फीचर्स छोटे कर दिए, थोड़े बहुत फीचर छोटे कर दिए, बाकी वही है सब फोन के अंदर जैसा उसके अंदर है। तो भाई इसके अंदर 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, कैमरा बस चेंज है और कुछ नहीं है। बाकी इसकी देखो कीमत में लास्ट में बताऊंगा, पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। 6.5 इंच का फुल HD प्लस का डिस्प्ले मिलेगा 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलेगी, ये थोड़ा अजीब है, पास है तो ज़्यादा अच्छा, फिर भी हम कवर चढ़ा लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। और अगले हम बात करते हैं प्रोसेसर, इसके अंदर मीडिया टेक का G90T है, जो बहुत पावरफुल है इस प्राइस के हिसाब से, ये अच्छी चीज़ लगी। रैम 4GB 64 वाले वेरियंट मिलेगा, 256 भी है इसके अंदर, 4GB 64 और 256 तक जाएंगे वेरियंट, 256, 4GB 266 जाएगी, अलग अलग वेरियंट हो गए। और 10 Android 10 पे बेस्ड है रियलमी UI में। और कैमरे की बात करें जो मेन चीज़ है, कैमरा बड़ा अच्छा होगा तो इनकी क्वालिटी अच्छी होगी। 48 मेगापिक्सल का कैमरा है और इसके अंदर 8 मेगापिक्सल का है और 2 2 मेगापिक्सल के कैमरे है, 48 8 2 2 मेगापिक्सल के। मैक्रो सेंसर है, मोनो सेंसर है और अल्ट्रा वाइड एंगल है और सब है इसके अंदर। फोन अच्छी चीज है ये, अच्छा दिया उन्होंने, मैक्रो भी दिया और सब दे दिया। अगले हम बात करते हैं फ्रंट कैमरा, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया उन्होंने, सेल्फी अच्छी है, सेल्फी भी F2.0 एपर्चर के साथ में। और बाकी फीचर की बात करें तो ब्लूटूथ 5 GPS और ड्यूअल 4G बाकी सब मिलेगा, 5G नहीं होने वाला, टाइप सी मिलेगा इसके अंदर 30 वॉट के साथ, जो आपका 55 मिनट में 100% चार्ज कर देगा। और बैटरी इसके अंदर 4300 mAh की है, आपको बता दें 30 वॉट चार्जिंग है, अच्छी चीज़ निकाली रियलमी ने, अच्छे प्राइस पे आएगा। अब मेन चीज़ है जो प्राइस की हम बात करते हैं, प्राइस जो इसके होने वाला है वो होने वाला 11 के करीब और 10 हज़ार के करीब, ज़्यादा महंगा नहीं करेगी, 12-13 हज़ार में रियलमी 6 मिल जाता है, तो ये इसका प्राइस होने वाला है। अच्छी चीज़ निकाली रियलमी ने, मेरे को अच्छा लगा देख के ये। और आप बताओ अपना ओपिनियन नीचे कमेंट में। और ये इंडिया में आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि 5S आया था इंडिया में, ये भी आएगा अगले महीने देखने को मिलेगा या उससे अगले। और डिज़ाइन बड़े अच्छा है इसका, ब्लैक और वो वाइट कलर, दो कलर मिलेगा आपको इसके अंदर, और वही डिज़ाइन मिलेगा आपको रियलमी का अपना, जो कैमरे का होता है सेल्फी आजकल वो दे रहे ना पंच होल वो है, और बाकी तो अच्छा फ़ोन है ये, पंच होल देखने को मिलेगा और डिज़ाइन अच्छा है और ब्लैक कलर भी इस बार। तो आप जरूर बताइए नीचे कमेंट में बेस्ट बजट फोन है या नहीं, बन सकता है तो मैं जरूर लेने की सोच रहा हूँ, ये अच्छा लगा मुझे भी। तो बस जैसे ही साथ हम वीडियो खत्म करते हैं, नई वीडियो में किसी मिलते हैं, आज के लिए बस इतना। कोई आ गया यार, मैं देख के आता हूँ कौन है, अब हर वीडियो में कोई ना कोई आ जाता है एंड में। तो बस यार चलते हम, बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही। लाइक कर देना, फोन बड़ा अच्छा लगा मेरे को, 48 मेगापिक्सल, 4300 mAh की बैटरी, 16 मेगापिक्सल का कैमरा और 30 वॉट की चार्जिंग, बस गोरिल्ला ग्लास 5 देते और अच्छा होता, बस बाकी से इसके अंदर मुझे ज़्यादा बेकार नहीं लगा, क्योंकि मीडियाटेक G90T और नार्जो के प्राइस में आएगा तो बहुत अच्छा फ़ोन है, क्योंकि नार्जो इनका अब उसके हिसाब से देखा जाए तो ये ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि G90T उसमें G80 है, तो ये पावरफुल फ़ोन गिना जाएगा, अच्छा फ़ोन है, महंगा ना करें बस।